गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू वेलकम इन शुभम क्लासेस एंड टुडेज माय सेशन इज गोइंग ऑन स्पेशल टिश्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि टिश्यूज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। सो आज हम पढ़ेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं, स्पेशल और सीक्रेटरी टिश्यू। सिक्रीटरी टिश्यू में ये किसी पदार्थ का श्रावण करते हैं, ये जो है विशिष्ट पदार्थों का श्रावण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे रबर छेरी, रबर मींस होता है लेटेक्स। जो लेटिसिफेरस ऊतक होते हैं टिश्यू, ये पीले या सफ़ेद प्रकार का लेटेक्स का श्रावण करते हैं। और जो सेकेंड टिश्यू इसी की सिक्रीटरी टिश्यू का टाइप है वो है ग्लैंडुलर टिश्यू, मीन्स ग्रंथिमय ऊतक। यह जो है वो म्यूसिलेज टैनिन एंजाइम का श्रावण करते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जो भी जीव होता है उनकी जो इकाई होती है वो होती है कोशिका, और कोशिका जो है समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं, और बहुत सारे ऊतक जो है मिलकर ऊतकों का जो समूह होता है वो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो टिश्यू सिस्टम होता है वह कितने प्रकार का होता है। अगर हम बात करें टिश्यू सिस्टम का, तो वो उनका काम क्या होता है, ये जो है किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन का काम करते हैं। तो टिश्यू सिस्टम जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें तो टिश्यू एक जो है स्टेम का स्ट्रक्चर अगर कट करते हैं, टीएस देखते हैं, तो उसमें हम इस तरह की संरचना जो है देखते हैं। तो जो बाहर की तरफ जो टिश्यूज होते हैं उनको बोलते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक, और जो मिडल्स में होते हैं, मिडल में इनको बोलते हैं भरण ऊतक, और थर्ड जो संवहन ऊतक होते हैं वो होते हैं सेंटर के, जिनको बोलते हैं संवहन ऊतक। तो हमने देखा कि टिश्यू सिस्टम जो है वो थ्री टाइप्स का होता है, बाह्य त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक और संवहन ऊतक। संवहन ऊतक जो है जाइलम फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं, और इनका काम होता है फूड और मिनरल का संवहन करना। चलिए देखिए, जैसे कि हम ऊतक तंत्र देख रहे हैं, तो यह होता है बाह्य त्वचीय ऊतक। ऊतक बाह्य त्वचीय ऊतक में क्या होता है, बाह्य त्वचा, स्टोमेटा और रोम छिद्र। अगर हम टीएस यहाँ देखें, स्टेम का टीएस देखें, तो इसमें बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, बाह्य त्वचा में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा होते हैं, कहीं कहीं पर स्टोमेटा होते हैं, और ये जो है रोम या ट्राइकोम होते हैं। सेकेंड है भरण तंत्र। भरण तंत्र में जो है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ और पिथ किरणें आती हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर, ये हाइपोडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, ये सारा भाग कॉर्टेक्स में आ जाता है, एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, देन पिथ, पिथरे भी आ जाता है। यह जो है ये पूरा जो है भरण ऊतक में आ जाता है। थर्ड अगर बात करें हम संवहन ऊतक तंत्र की, तो जो संवहन ऊतक तंत्र है इसमें आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जो ये स्ट्रक्चर है इसमें ये है कैम्बियम, कैम्बियम और जाइलम, ये होता है फ्लोएम और ये होता है जाइलम, तो जाइलम फ्लोएम। तो इस तरह का हम एक संरचना देखते हैं जब तने का हम स्ट्रक्चर जो है टीएस काटते हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए, एपिडर्मल हेयर्स, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, देन क्लोरेनकाइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये सभी जो पार्ट हैं वो हम एक तने की संरचना में देखते हैं। ये तो ये जो है ये है एक पूरा संवहन ऊतक किस प्रकार से एक तंत्र का निर्माण करते हैं। चलिए, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम जो ऊतक तंत्र है उसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो होते हैं कि संवहन ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। ये जो संवहन ऊतक हैं, संवहन पुल हैं, वैस्कुलर बंडल, वो ये पढ़ेंगे हम कि रेडियल वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं, कंजॉइंट जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल जो है वो एम्फीवेसल और एम्फीक्राइब्रल होते हैं। चलिए हम देखते हैं कि क्या होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। देखिए, फर्स्ट जैसे कि यहाँ है रेडियल वैस्कुलर बंडल, तो रेडियल जो वैस्कुलर बंडल है उन्हें अरीय बंडल भी कहा जाता है। इसके केस में जब जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर स्थित होते हैं तो इनको हम रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जैसे एक ये स्टेम का टीएस है, और अगर हम देखते हैं कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो ये अलग अलग, अगर हम इनकी रेडियस देखें तो ये अलग अलग त्रिज्या पर स्थित हैं। तो इस प्रकार के जो वैस्कुलर बंडल हैं इनको रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है। और इस प्रकार के जो रेडियल वैस्कुलर बंडल है वो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं।
चलिए अगले वैस्कुलर बंडल हम देखते हैं, कंज्वाइंट वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं। कंज्वाइंट मीन्स होता है संयुक्त वैस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम संयुक्त हो, मीन्स साथ साथ हो। जाइलम व दारु एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, दारु सदैव केंद्र की ओर होता है और फ्लोएम जो है वो परिधि की ओर होता है। जो संयुक्त वैस्कुलर बंडल है वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज, वर्धी अवर्धी। वर्धी में क्या होता है, वर्धी जो फ्लोएम व दारू के बीच में एधा प्रेजेंट होती है, तो जो वर्धी है इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल में जो है कैम्बियम प्रेजेंट होती है। आपको याद रखना है कि जो ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें कैम्बियम होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और जो क्लोज्ड होते हैं उनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो है एधा अनुपस्थित होती है। जो वर्धी ओपन जो है वैस्कुलर बंडल वो ज्यादातर एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, तथा अवर्धी वैस्कुलर बंडल जो है वो एक बीजपत्री तने में मिलते हैं हमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो संयुक्त बंडल है वो भी दो प्रकार से होते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि यह जो है एक सेंटर में जाइलम होता है और उसके चारों तरफ फ्लोएम होता है, ठीक है। और बाइकोलेट्रल के केस में जो है सेंटर में जाइलम होता है और दोनों तरफ फ्लोएम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल भी दो प्रकार के होते हैं, एम्फी वेसल और एम्फी क्राइब्रल। देखिए अगर हम संरचना के आधार पर देखें कि कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, दारू केंद्र की तरफ होता है, जाइलम केंद्र की तरफ होता है और फ्लोएम परिधि की तरफ होता है, और इनमें क्या होता है सूरजमुखी के तने में होते हैं ये, और जो है कैम्बियम उपस्थित अनुपस्थित होती है। इसके आधार पर हम ओपन और क्लोज वैस्कुलर बंडल को डिफाइन करते हैं। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उनको ओपन कहा जाता है, अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो उसको क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं। बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है, इनके दोनों ओर फ्लोएम स्थित होता है, जैसे सेंटर में जाइलम है और दोनों तरफ फ्लोएम उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल क्या होता है। इसमें क्या होता है, जाइलम फ्लोएम को चारों ओर से घेरे रहता है। अगर जाइलम सेंटर में है तो उसको जाइलम केंद्रीय कहा जाता है, जाइलम केंद्रीय वैस्कुलर बंडल। ये किस में होते हैं, ये फर्न में पाए जाते हैं। जो दूसरा वैस्कुलर बंडल का प्रकार है उसमें क्या होता है कि एक बीजपत्री में फ्लोएम बीच में तथा जाइलम चारों ओर उपस्थित होता है, उसको फ्लोएम केंद्रीय वैस्कुलर बंडल कहते हैं। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।